असलम एवरीवान दिस इज़ तहरीम एंड यू ऑल आर वेलकम टू तहरीम ईट्स यूट्यूब चैनल जैसे मैकडोनल्ड्स में नगेट्स मिलते हैं ना मुझे पता है हम सबको बहुत ही पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है तो मैं मुसलसल कोशिश में थी कि वैसे ही कोई रेसिपी बनाऊं तो फाइनली हमने मैकडॉनल्ड्स की नगेट्स की रिक्रिएशन कर ली है और हमने इसको और बेटर करके बनाया है बिकॉज़ ये नगेट्स हमने थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं थोड़े थिक बनाए हैं और फ्लेवर में ये बहुत ज़्यादा मज़े की हैं मैकडॉनल्ड्स से भी ज़्यादा बेटर लगे मुझे सो आई एम नॉट गोइंग बैक टू मैकडॉनल्स अगेन तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या किया है मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है ये हाफ़ के जी का है ठीक है आप इस रेसिपी को हाफ़ कर सकते हो और डबल भी कर सकते हो जितने भी नगेट्स आपको बनाने हैं और नगेट्स की शेप का भी यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो छोटे बड़े नगेट्स जैसे भी आपने बनाने हैं बिकॉज आप घर में बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है और आपकी चॉइस है कि आप कैसे नगेट्स बनाना चाह रहे हैं तो मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसको चॉप करना ईजी हो फिर एक चॉपर में डालकर मैं इसको पीस लूँगी अगर आप चॉपर में नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट कीमा ले लें ले, चिकन का ठीक है तो और आपका एक स्टेप कम हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से पीस लेना है और बारीक कर लेना है कि चिकन का कीमा आपको मिल जाए अच्छा इस रेसिपी में हम ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज़ मैकडोनल्ड्स uh, की रेसिपी में वो ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते कोटिंग में भी नहीं करते अंदर वो शायद थोड़ी सी डालते हो पर मैंने नहीं डाला बिकॉज मुझे बिल्कुल ब्रेड uh, जैसा टेस्ट नहीं चाहिए मुझे प्योर चिकन वाला टेस्ट चाहिए जो कि ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए तो मैंने क्या किया है चिकन के की कीमे में अब मसाले ऐड करूँगी ये पिसा हुआ लहसुन है खाली अदरक नहीं ऐड की सिर्फ लहसुन है उसके बाद सॉल्ट जाएगा और लाल मिर्चों का पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर बस डैट्स इट और मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हो जो मैकडोनल्ड्स के नगेट्स हैं उसमें थोड़े से कम स्पाइसेस होते हैं लेकिन आप घर में बना रहे हो तो अपनी लाइकिंग के हिसाब से डालिए ठीक है और मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं बिकॉज मुझे स्पाइसी पसंद है उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा मैदा इसका बाइंडिंग इन्ग्रीडियंट होगा और इसको बाइंड करके रखेगा आपके नगेट्स टूटेंगे नहीं तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ पर मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगने के लिए कि वीडियो बन रही है लेकिन आप जो है हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें आप मिक्सचर को और मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नगद्स को शेप करना नगद्स को बनाना और यहाँ पर मैंने सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है मैदा और चिकन अलग अलग नज़र ना आए ठीक है जी तो ये इस तरह से डन हो गया है आपका जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है अब हम क्या करेंगे अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि हम चिकन को आ, हमारे हाथों पे चिपके नहीं जब हम नगेट्स बना रहे हो या आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें ठीक है बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है बिल्कुल भी ड्राई नहीं है परफेक्ट है बिकॉज हमने कोई दूध कोई मैदा कोई आ, मैदा तो डाला है खैर कोई दूध या कोई अंडा वगैरह कोई लिक्विड इन्ग्रीडियंट नहीं डाला हमने तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी बेस्ट है बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं हुई है फिर हाथों को ऑयल करें ग्रीस करें और उसके बाद आप नगेट्स को शेप देना शुरू कर दीजिए अपने लाइकिंग के हिसाब से थोड़ी सी रफ़ शेप होती है ठीक है मतलब बहुत एक्यूरेट नहीं होती अपनी मर्जी का आप जो है ना उसका साइज़ लें नगेट्स का थिकनेस रखें और उसको शेप दे दें ठीक है मैंने थोड़े बड़े साइज़ के नगेट्स बनाए हैं बिकॉज नगेट्स किसको नहीं पसंद तो बड़े साइज़ के थिक नगेट्स बनाए हैं मैंने तो आपने क्या करना है इसको शेप दे देना है और शेप देकर अब आप क्या करें कि एक ट्रे ले लें और ट्रे में जो है आप बटर पेपर रख लें और उसके ऊपर सारे नगेट्स बना बना के ना आप इसके ऊपर लाइन से रखते जाइए ठीक है अगर आपके पास ऐसे बटर पेपर नहीं है तो आप एक प्लेट में या ट्रे में इसको हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि आपके नगेट चिपके नहीं ठीक है और उसके बाद आप जो है इसको इस तरह से पूरे लाइन में लगा कर आप इसको पंद्रह मिनट के लिए फ्रीज़र में रखते हैं जब तक हम बाकी इसकी प्रिपरेशन करेंगे कोटिंग वगैरह की ठीक है इतनी देर में जो है ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और प्रॉपर शेप में आ जाएंगे तो मैंने इसको पंद्रह मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया है अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमने कोटिंग कैसे बनानी अच्छा नॉर्मली हम जो नॉर्मल नगेट्स बनाते हैं उसको ब्रेड क्रम्प से कोटिंग करते हैं लेकिन ऐसा हमने नहीं करना है हम इसका बैटर प्रिपेयर करेंगे बैटर के लिए मैदा लेंगे मैदे में ऐड करेंगे नमक लाल मिर्चों का पाउडर और काली मिर्चों का पाउडर बस डेट इट और ये सारे ड्राई मिक्स ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हो गए आपके रेडी अब इसके अंदर आपने ठंडा पानी ऐड करना है बिल्कुल चिल्ड वाटर जितना चिल्ड वाटर होगा उतनी ही क्रिस्पी आपके नगेट्स बनेंगे और अगर आपने गर्म पानी ऐड कर दिया तो आपके नगेट्स वहीं सोगी हो जाएंगे उसकी कोटिंग क्रिस्पी नहीं बनेगी तो इस बात का आपने ध्यान रखना है तकरीबन तो एक कप पानी इसमें चला गया था लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे पूरा कप एकदम में डाल दीजिएगा ऐसा ना हो कि कहीं बेटा बहुत ज़्यादा पतला ही हो जाए ठीक है तो आपने क्या करना है कि मेरी तरह जैसे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाएँ और उसको मिक्स करते जाएं ठीक है ताकि जो है आपका बैटर आपकी नज़र के सामने मिक्स हो रहा हो और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं कि प्रॉपरली मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ अब यहाँ पर थोड़ा सा थिक है ठीक है तो मैं इसके अंदर और पानी ऐड करूँगी लेकिन आपने करना ठंडा पानी ही ऐड है बिल्कुल बर्फ़ वाला तो ठंडा पानी होता है ना वो आपने ऐड करना है तो आपके नगेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए इसकी कं, कंसिस्टेंसी थोड़ी विस्कविस होनी चाहिए जस्ट लाइक हनी मतलब जैसे कि हल्का सा फ्लो हो जाए बहुत पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो ठीक है तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है मैंने बहुत ही एहतियात से पानी डाला था ताकि बहुत पतला ना हो जाए तो हमारा बैटर बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है इसको अच्छी तरह से बीट भी कर लें इसमें कोई गुठली ना बचे मैदे की और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें ठीक है ऑलमोस्ट डन इतनी थिक आपने रखनी है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बार बार बोल रही है बहुत पतला करेंगे तो नगेद से वो बह कोटिंग उतर जाएगी और प्रॉपरली फिर वो टूटने का भी खतरा होगा ठीक है ये कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप अब एक और प्लेट में आप जो है मैदा ले लें अब ये हमारा ड्राई मैदा है और अब आपने क्या करना है फ्रीज़र से नगेट्स निकाल कर लाएं और एक एक करके सारे नगेट्स को इस मैदे में एक दफ़ा कोट कर लें अगर आपको लग रहा है कि आपके नगेट्स की शेप थोड़ी चेंज हो गई है तो आप इस स्टेज पर उसको दोबारा से शेप सेट कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि फ्रीज कर दिए थे तो नगे अपनी शेप से नहीं हिलेंगे ठीक है तो आपने क्या करना है कि सारो सारे नगेट्स को अच्छी तरह से मैदे में कोट करना है और साइड में रख लें ठीक है Uh, सारे नगेट्स को कोट करके मैंने उसी ट्रेन में रख दिया था जिसमें मैंने फ्रीज़ किया था ना वहीं से उठा उठा कर मैंने एक एक करके कोट किया और वहीं वहाँ पर वापस रख लिया तो यस yes, हमारे सारे नगेट्स उसमें कोट हो गए हैं अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जो हमने बैटर प्रिपेयर किया है ना बैटर के अंदर हम लोग जो है ना सारे नगेस डालकर कोट करेंगे तो आप ये चेक करिए हमारे सारे नगेट्स कोट हो चुके हैं इस तरह से लग रहे थे और ये कितने हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी तो बन ही गए थे उसके बाद आपने क्या करना है एक एक नगेट लेकर इस बैटर में कोट करना है और फ्राई करना शुरू कर देना है ठीक है ये देखिए इतना थिक बैटर है कि कोट कर लिए अब यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं जब बबल्स बनना शुरू हो जाएँ तो फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे नगेट्स को कोटिंग करके आप सारे नगेट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है ना वो हाई है बहुत लो फ्लेम नहीं रखना है हाई फ्लेम रखना है और डबल फ्राइंग होगी इसकी ठीक है तो आपने क्या करना है एक दफ़ा फ्राई कर लेना है फुल कुक नहीं करना और एक दफ़ा फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो तो ऐसे वाले नगेट्स को आपने क्या करना है कि इस तरह से फ्राई कर लेना है हाफ़ अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हो तो फिर आप उसके बाद बाहर निकालें हाफ फ्राई के बाद उसको बिल्कुल ठंडा होने दें फिर आप एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर उसको फ्रीज कर दें और जब आपको दोबारा से मूव के नगेट्स फ्राई करने हैं तो दोबारा से निकालें और गर्म तेल में डालें और बाकी जो रिमेनिंग कुकिंग है वो कुक कर लें ठीक है इस तरह से आप कर सकते हैं तो आपने क्या करना है कि इसको फ्राई कर लेना है पहले मैं यहाँ पर हाफ़ कुकिंग कर रही हूँ और फिर मैं कंप्लीट कुकिंग करूँगी सैकंड दफ़ा जब दोबारा ऐड करूँगी इससे आपके नगेट्स और क्रिस्पी भी बनेंगे और उसके अलावा उसका जो टेक्सचर होगा ना वो बिल्कुल बाहर के जैसा होगा तो यहाँ पर इस तरह से करके मैंने चार चार पाँच पाँच नगेट्स करके ना फ्राई कर लिए क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है और नगेट्स का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है ताकि वो बिल्कुल आपस में चिपक नहीं जाएँ ठीक है अब आपका टेक्स्चर आप इसका देखेंगे जब मैं निकालूंगी ठीक है उसके बाद थोड़ा कम होगा जब दोबारा फ्राई करूँगी तो आप दोबारा देखेंगे कि और ज़्यादा बेटर हो गया है टेक्स्चर ठीक है अब ये एक जो है ना चार नगेट्स मेरे बन गए हैं हाफ कुक तो मैंने इसको निकाल लिया अभी भी काफ़ी प्यारा कलर आ चुका है ठीक है इस स्टेज पर आप इसको ठंडा करके फ्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वरना आप इसको थोड़ा साइड में रखें और दोबारा से फ्राई करेंगे हम ठीक है ये सेकंड बैच मेरा फ्राई हो रहा है और ना यहाँ पर इतने मज़े की खुशबू आ रही थी और हाँ आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करें म्योनीज और म्योनीज़ और कैचअप के साथ तो मज़ा ही दोबारा हो जाएगा आपका ठीक है जी तो आप देखें यहाँ पर कि जो पहला बैच है वो फ्राई होके निकल चुका है सेकेंड बैच फ्राई हो रहा है इस तरह से चार चार पाँच पाँच नगेट्स के बैचेस में आप सारे नगेट्स फ्राई कर लें ठीक है और उसके बाद जब सारे नगेट्स एक साथ होकर एक एक दफ़ा फ्राई होकर निकल जाएंगे ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे तो अब हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से फ्राई हो जाए आ, इसको फ्राई होने में तकरीबन पाँच से छः मिनट लगे थे फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दो मिनट में इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया था उसके ऊपर तो इसको आपने ना फॉरन से मिक्स भी कर लेना ताकि ताकि बिल्कुल चिपक ना जाए आपस में सो so, यस yes, अभी ये फ्राई हो रहा है और होके नहीं दे रहा है मैं वेट कर रही हूँ कि हो जाओ भाई फ्राई चले तो पूरा बैच नगेट्स का फ्राई हो गया एक बारी अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं फाइनल स्टेप जो है अभी नगेट्स जो है अपने फाइनल फ्राइंग होगी इनकी और ये दो मिनट में डन हो जाएंगे तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई करना है बहुत स्लो आंच पर नहीं करना वरना सोगी हो जाएंगे अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे ठीक है जी और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर आप इनको निकालेंगे अच्छा सा जब आपकी पसंद का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर आप इसको स्ट्रेनर में निकाल लें अच्छी तरह से छान लें या अगर आपके पास कोई रैक है तो रैक पर भी आप रख सकते हैं जिससे ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए और आप आपको मैं इसका क्रिस्प चेक भी कराती हूँ कितना क्रिस्पी था ये उसके बाद आपके सारे नगेट्स देखेंगे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है जैसे बाहर आपको मिलते हैं बहुत इवन कलर आया बिकॉज हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाते रहते जब हमने फाइनल इसकी कुकिंग की है तो कंटिन्यूसली चम्मच चलाने की वजह से इस पर बहुत इवन कलर आया है अब इसे सर्व करना है प्लेट में आप नगेट्स निकालें साथ म्यूनीस रखें फ्राइज रख सकते हैं केचप रख सकते हैं चिली गार्लिक सॉस कोई डिप बना सकते हैं एनी थिंग यू लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू बिकॉज नगेट्स तो बहुत मजे के होते हैं आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये क्रिस्प चेक हो गया इनका ठीक है तो बहुत मजे के बने थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर दें चैनल को एंड लाइक एंड कमेंट बाय